नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी फेंग सुई के अनुसार 6 ऐसी चीजें जो आपके घर में आर्थिक तंगी को दूर करके आपको धनवान बना देंगी। यही नहीं, इन वस्तुओं के प्रभाव से आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। पहला, गोल्डन फिश। फेंग सुई के अनुसार घर में मछलियां रखने से सौभाग्य बढ़ता है। ये धन मान सम्मान में वृद्धि करने का एक कारगर उपाय है। गोल्डन फिश को अपने शयन कक्ष, रसोई घर और शौच घर में कभी न रखें। मछली घर को अपने ड्राइंग रूम में रखें। ये मछलियां आपके जीवन की आर्थिक समस्या को समाप्त करके आपको धनवान बना देंगी। दूसरा, ड्रैगन का जोड़ा। फेंग सुई के अनुसार ड्रैगन का जोड़ा समृद्धि का प्रतीक है। इनके पैर के पंजों के मोती सबसे ज्यादा ऊर्जा संजोए हुए होते हैं। फेंग सुई में ड्रैगन को 4 दिव्य प्राणियों में गिना जाता है। ड्रैगन यानी पुरुषवत हिम्मत और बहादुरी का प्रतीक है। इसमें अपार शक्ति होती है। डबल ड्रैगन को यूं तो किसी भी दिशा में रखा जा सकता है, लेकिन पूर्व दिशा में रखना सबसे ज्यादा लाभदायक है। इसके प्रभाव स्वरूप घर में रहने वाले लोगों को सफलता मिलती है। तीसरा, 3 टांगों वाला मेंढक। 3 टांगों वाला मेंढक बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। फेंग सुई के अनुसार मुंह में सिक्के लिए हुए 3 टांगों वाला मेंढक की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसे अपने घर के भीतर मुख्य दरवाजे के आसपास रखना चाहिए। इसके प्रभाव स्वरूप आपके घर में पैसों की बरकत होगी। मेंढक को रसोई या शौच घर के भीतर ना रखें। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। चौथा, लाफिंग बुद्धा। अगर आपको आर्थिक सफलता पाना है तो लाफिंग बुद्धा निश्चित ही आपकी मदद करेगा। अपने लिविंग रूम में मुख्य द्वार से तिरछी दिशा में एक लाफिंग बुद्धा बैठा दे। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। ध्यान रखें कि लाफिंग बुद्धा मुख्य द्वार के एकदम सामने ना रखें। पांचवा, खुशहाली का प्रतीक कछुआ। फेंग सुई में कछुए को शुभ माना जाता है। इसे घर में रखने से कामयाबी के साथ धन दौलत और खुशहाली भी आती है। कछुए को ऑफिस या मकान की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ध्यान रहे कि कछुए को जब भी रखे तो उसका चेहरा अंदर की ओर होना चाहिए, तभी दिशा शुभ होती है। इसे कभी भी जोड़े में ना रखे। छठा, 3 सिक्के। फेंग सुई के अनुसार घर के दरवाजे में लाल रिबन से बंधे सिक्के लटकाने से घर में धन और समृद्धि आती है। ध्यान रहे कि सिर्फ 3 सिक्के ही लगाएं, वह भी दरवाजे के अंदर की ओर। बाहर सिक्के लगाने से लक्ष्मी द्वार पर ही ठहर जाती है। सिक्के हमेशा मुख्य द्वार पर ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया फेंग सुई के अनुसार धन और सुख शांति बढ़ाने के लिए कुछ उपाय। इन्हें अपनाने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इसके साथ ही आपको धन लाभ भी होता है। अपनी समस्या और परेशानी को आज ही दूर करें चमत्कारी समाधान के टोटके और उपायों से। और चमत्कारी समाधान की बाकी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल चमत्कारी समाधान को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।